अनुरोध करूं, अभी जब आपसे बात कर रहे थे हम, मैम एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया। जैसा कि आज का यह कोरोना काल चल रहा है और बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं और दुर्भाग्य से कई लोग आज शायद हमारे बीच भी नहीं है, और इसका एक मुख्य कारण अगर हम समझें तो वो यह है कि आप सभी निरंतर जनता की सेवा में लगे रहे। हम घरों के अंदर बैठे हैं लेकिन आप लोग हमेशा बाहर जाकर और जनता की सेवा करते रहे और सारी व्यवस्थाओं में भी आप लोग लगे रहे। आप स्वयं कोरोना पॉजिटिव हुई और आज स्वस्थ होकर हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है मैम। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप पॉजिटिव होने से लेकर कोरोना नेगेटिव होने तक का अनुभव जो था वो अगर आप शेयर कर सके हम लोगों के साथ, तो इसके माध्यम से दर्शकों को भी जो देखें उन्हें भी एक मार्गदर्शन मिलेगा, उन्हें पता चलेगा कि इससे घबराना नहीं है और क्या चीजें जो ध्यान में रखनी। माननीय सांसद जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो टेस्ट पॉजिटिव आया था वो रूटीन चेकअप में पॉजिटिव आया था। यानी अगर संसद में जाने से पहले टेस्ट नहीं करवाना अनिवार्य होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। और क्योंकि मेरे पास कोई सिम्टम नहीं था, मतलब मुझे खांसी नहीं थी, मुझे बुखार नहीं था। हाँ, थोड़ी बहुत हरारत जरूर थी, थकावट रहती थी, पर वो तो अभी जिंदगी का हिस्सा है। मैं कितने साल हो गए कि पूरी नींद नहीं सोई होंगी, कितने साल हो गए कि हरारत होगी तो काम पे जाना है तो आपको सुबह 4 बजे उठना है या 6 बजे उठना है या रात भर जाके काम करना है, आप वो करते हो और उसको बहुत नॉन सीरियस हो अपने स्वास्थ्य को लेकर और नॉन सीरियस हो थकावट वगैरह को लेकर। उन उन सिम्टम्स को आप गिनते ही नहीं हो कि कोई बीमारी है, वो सब नॉर्मल लगता है। तो मेरी भी वैसी स्थिति थी। अब हाइंडसाइट में सोचती हूँ तो लगता है कि वो जो कमजोरी थी वो शायद कोरोना पॉजिटिव होने का कारण थी, मगर मैं ध्यान नहीं दे रही थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो सिम्टम नहीं होने के कारण ध्यान नहीं था, लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ तो मुझे थोड़ा, मैंने मेरे को थोड़ा साइंस पढ़ने का जानने का शौक भी है, तो मैंने कहा भाई मैं पॉजिटिव कैसे हूँ मुझे जानना जरूरी है, और मेरे आसपास के जितने लोग हैं उनको भी टेस्ट करा लेना चाहिए क्योंकि संक्रमण तो मैं फैला सकती हूँ। सबसे प्रसन्नता की बात है कि मेरे आसपास वाले सब नेगेटिव थे, यानी मैं अगर संक्रमण फैलाने वालों में हूँ तो मेरा पीए है, मेरा ड्राइवर है, मेरे घर का स्टाफ है या अन्य लोग हैं, वो लोग सब पॉजिटिव होने चाहिए, मगर उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं था, मैं अकेले पॉजिटिव थी। तो उसका मतलब यह है कि मेरे अंदर वायरस लोड कम था और मेरी बॉडी की वायरस से लड़ने की क्षमता शक्ति अधिक थी और इस कारण से मैं उसको फैला नहीं रही थी, पर खुद से उसको लगातार लड़ रही थी, उससे उसको झेल रही थी। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा देखिए मैं तो मार्च से अब तक, जब पूर्ण लॉकडाउन था, लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सब चारों तरफ सहयोग सहयोग पहुंचाना था तो वो सहयोग तो मैं पहुंचा नहीं, मेरे को पहुंचाना था तो मतलब मेरे को ग्राउंड पे रहना था। बिना मेरे ग्राउंड पे रहे, क्योंकि गाड़ी चाहिए सामान ले जाने लाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, ऑन द स्पॉट पहुंचने के लिए, तो वो तो सांसद की गाड़ी का स्टिकर है तो पुलिस वाला नहीं रोकता है, और उसमें 3 लोग को 2 लोग को मैं बिठा सकती हूँ, एक ड्राइवर हो गया, एक मैं हो गई, एक आदमी और हो सकता है, जिसकी वजह से हम अपने क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उस क्षेत्र की में सब सहयोग पहुंचे वो काम किया जा सकता है। तो मैं तो संक्रमित स्थानों पर जा रही थी, मैंने तो ब्लड डोनेशन कैंप्स करे हैं एम्स के अंदर, सफदरजंग के अंदर, गंगाराम के अंदर, आरएमएल के अंदर, जितने बड़े अस्पताल हैं अपने क्षेत्र के सब जगह मैं घूमी हूँ। जितने बड़े कोरोना सेंटर्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं, मैं सारे सेंटर्स में गई हूँ। जितने कंटेनमेंट जोन्स हैं मैं वहां भी गई हूँ। जहाँ खाना राशन बांटने की बात थी तो मैं रोज बांटती थी। तो मैंने कहा तो संक्रमित होने का तो स्वाभाविक है कि वो संक्रमण एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, तो अगर वो पॉसिबिलिटी है तो मैं फिर पॉजिटिव कैसे हो गई, क्योंकि मेरे अंदर तो एंटीबॉडीज होना चाहिए। तो आप मेरा सीरोलॉजी टेस्ट भी कीजिए, तो सीरोलॉजी टेस्ट हुआ और सीरोलॉजी टेस्ट के अंदर एंटीबॉडीज भी आई, यानी मैं एक ही समय पर पॉजिटिव भी थी और मैं उसी समय पर जो है कंटेन भी थी, मेरी इम्यूनिटी भी पूरी थी। तो वो कुछ 7 से 9 दिन का समय ऐसा होता है बीच में जिस साइकिल में ये होता है। और आपके माध्यम से मैं सबको समझाना चाहती हूँ कि एक
शब्द है कैरियर, वो कैरियर को समझना जरूरी है कि मैं भले ही स्वस्थ हूँ, भले ही मेरे को कोरोना नहीं होगा, लेकिन मैं कैरियर हो सकती हूँ और मैं संक्रमण को फैला सकती हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि हम तो सुबह दौड़ेंगे बिना मास्क के, हम तो साइकिलिंग करेंगे बिना मास्क के, हम तो घूमेंगे बिना मास्क के, तो वो शायद यंग बच्चे हैं, युवा हैं, और खुद संक्रमित होते हुए भी वो शायद सिम्टोमैटिक नहीं है, एसिम्टोमैटिक है, लेकिन वो बड़ी उम्र वाले, डायबिटिक, वल्नरेबल क्लास, छोटे बच्चे, सब में वो वायरस को फैला रहे हैं। तो जो जो प्रिकॉशन है, वो प्रिकॉशन के दो पक्ष हैं, एक तो मैं अपने आप को बचाऊं और दूसरा मेरे कारण से किसी और को तकलीफ ना हो, मेरे घर में बड़े बूढ़े माँ बाप को ना हो, मेरे घर में हो सकता है मेरे स्टाफ में कोई डायबिटिक हो, उसको बीमारी ना हो जाए, तो लेने के देने दूसरे के ना पड़ जाए और मैं उसकी जान से ना खेलूं। तो संक्रमण से बचाना अपने को तो है ही, मगर दूसरे को भी है, इसलिए हाथ धोना, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना, फेस कवर का इस्तेमाल करना और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बहुत अधिक अनिवार्य है। और सब लोग इंसिस्ट ना करें, मतलब हम लोग की जिंदगी में ये बात अक्सर रहती है कि बहन जी मिलना है, पूछो भाई क्या काम है, कुछ नहीं बस चाय पीनी थी, हालचाल पूछना था। तो मेरा रहता है कि भी मिलना है, जो कुछ कहना आप SMS के माध्यम से कह दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई कर दूंगी, ये समय नहीं है ज्यादा लोगों से मिलने का। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है और जहां बहुत ही अनिवार्य नहीं है वहां पर मिलना जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए भी खतरा हो सकते हैं, और कोई खतरे से खेल रहा है तो हम उसमें घी का काम कर सकते हैं, आग में घी के काम की तरीके से। और मेरी जो फीलिंग थी इस दौरान, मैं बहुत पॉजिटिव थी, मेरे को कोई ऐसा लगा नहीं, और मैं अपने कमरे का खुद देखभाल करती थी, स्टाफ को कहा हुआ था कि खाना लिफ्ट में डाल के भेज दो, मैं क्योंकि मैं और मेरा बेटा दोनों पॉजिटिव थे एक ही टाइम पे, तो हमने वो फ्लोर ही ऑक्यूपाई किया हुआ था कि इस पर कोई आए जाए नहीं, आप खाना डाल दो, हम अपने बर्तन खुद धोते थे या डिस्पोजेबल प्लेट्स इस्तेमाल करते थे, साथ ही इस फ्लोर की सफाई मेरा बेटा करता था और सब काम वो देखता था, ताकि कोई और घर के अंदर ही रहने वाला स्टाफ या कोई और हमारी वजह से संक्रमित ना हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का, खासतौर पे हाइजीन का, दूसरों की चिंता का, ये और सफाई और छोटे छोटे काम अपने आप कर लेने चाहिए। और उस दौरान भी जो भी हमारे कार्यक्रम थे वो हमने वर्चुअल माध्यम से किए, कार्यक्रम में कोई कमी नहीं आई, काम में कोई कमी नहीं आई, SMS ईमेल के जरिए अपने क्षेत्र में बने रहे और पढ़ाई लिखाई का जो भी काम पेंडिंग था वो काम किया, और क्योंकि बेटा साथ था तो उसको भी जो हाउस होल्ड की ट्रेनिंग थी वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी मिली कि आत्मनिर्भर आप भी रहे, घर बार कल को चलाना हो तो कैसे क्या क्या होता है उसका ज्ञान भी पूर्ण रूप से रहना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद थोड़ी कमजोरी का एहसास हुआ, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जी मैं कल को उठ के चल पड़ी कि जी मैं तो बिल्कुल पूरी क्षमता ताकत है और मेरे जो जी में आएगा मैं 20 घंटे घर से बाहर घूमूंगी, वैसा भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा कॉशियसली चलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, विटामिन सी का ध्यान रखें, जिंक खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स फूड के ऊपर ध्यान रखें, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आप बीमारी को भगा देंगे और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। और जितना ये सब अपना देसी नुस्खा है, काढ़ा पीना, मुलेटे खाना, गिलोय खाना, आयुष मंत्रालय का काढ़ा है, थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत अच्छा है सेहत के लिए, वो सब का इस्तेमाल करें। मैम आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी,